नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जैसा कि पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जारी है, हर घर तिरंगा अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज यानी शनिवार को मध्य प्रदेश के बिरसा में प्रातः रैली निकाली गई और कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जाएगा। विदिशा में घर घर तिरंगा अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रातः 10:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू हुई और माधवगंज के कांच मंदिर पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें कई स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव द्वारा बताया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जाएगा, इसके लिए जन जागरूकता के लिए आज यह रैली निकाली गई है जो कि पुलिस ग्राउंड से निकालकर माधवगंज के कांच मंदिर पर ख़त्म कर दी गई। बिरसा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। देखिए, ये जो रैली है, ये रैली हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में प्रत्येक घरों में तिरंगा लहराना है, तिरंगा लगाना है, तिरंगा फहराना है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसी के तहत लोगों में भावना जागृत करने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए ये रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग अभी 7 से 8 हज़ार बच्चे शामिल हुए हैं। हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हैं, सभी जनप्रतिनिधि शामिल हैं, सभी बच्चे शामिल हैं, विभिन्न वर्गों के हमारे जो धर्मावलंबी हैं वो सब शामिल हैं और उसी के तहत हमने रैली यहाँ पर निकाली गई। ये निकाली पुलिस ग्राउंड से निकाली गई रैली हमने, और ये कांच मंदिर पर भी हमने समापन किया है इस रैली का। इस तरह की रैलियाँ हम पूरे ज़िले में लगातार सभी जगह पर करते जाएंगे, चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, हमारे छोटे कस्बे हों, हमारे नगर हों, सभी जगह हम करें।